चाचा पतलू, आखिर चाचा जी ने हमें तार देकर अचानक क्यों बुलाया है? ये सब तो हमें रामगढ़ जाकर ही पता चलेगा। क्या आप ही मोटू पतलू हैं? हाँ जी, हैं तो सही, मगर आप? मेरा नाम बसंताराम है, मुझे ठाकुर साहब ने आपको लेने के लिए भेजा है। तो ठीक है जी, चलो फिर। नमस्ते चाचा जी। आनू में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं चाचा जी। सफर में तुम लोग थक गए होंगे, चलो चलकर नहा धो लो, फिर बैठकर बातें करेंगे। कहाँ मर गए सब लोग? आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो? हाँ, और जब तक मैं जिंदा हो तुम लोग गांव से अनाज का एक दाना भी नहीं ले जा सकते। क्या तुम हमें रोकोगे? हाँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। सुना तुमने, ये हमारा मुकाबला करेंगे। अच्छा तो रोक लो। इनका काम अब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हमें माफ कर दो डाकू जी। मोटू पतलू जिंदाबाद। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बात बताइए चाचा जी, उस वक्त आपने हमें बंदूक उठाकर क्यों नहीं दी? इसकी बहुत लंबी कहानी है। उन दिनों मैं तारापुर जेल में था। ये तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुर, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। बदला तो तुम तब लोगे जब यहाँ से बाहर निकलोगे। दुनिया की कोई भी जेल ऐसी नहीं बनी जो जब्बर सिंह को रोक सके। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। Thank you.
हाँ हम ठाकुर, हमने कहा था ना हमें दुनिया की कोई भी जेल नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें दोबारा जेल भेज दूंगा। जेल तो जब भेजोगे ठाकुर, जब तुम जिंदा बचोगे। अभी मेरे हाथों में बहुत ताकत है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जान है तेरे हाथों में, यहाँ थमका दे दे ठाकुर। नहीं जबर, यहाँ थमका दे दे ठाकुर। हम जब तक आपका बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कितने आदमी थे? दो आदमी। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ लौट कर आ गए। जो डर गया समझो मर गया। चलो चलो रामगढ़ पर हमला करो। सरदार, उसका एक साथी हमारे कब्जे में आ गया है। इसे अड्डे पर ले चलो, इसका जोड़ीदार अपने आप आ जाएगा। और वैसे भी हमारे पास सब गोलियां खत्म हो चुकी हैं। गोली चलाऊं तो पतलू को भी लग सकती है। एक आइडिया है। आराम करो।
क्या बताऊं, मैं यहां हूं जब्बर सिंह। तब तो तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन सब डाकुओं को। यस सर। डाकू जब्बर सिंह को पकड़वाने पर मैं सरकार की तरफ से मोटू पतलू को ये 50,000 रुपए की रकम भेंट करता हूँ। डाकुओं की वजह से गांव वालों का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हम ये रकम गांव वालों को भेंट करते हैं। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। चाचा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद।